ऑल इंडिया में आपके साथ मैं भूपालिंग कर रही हूँ। आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में आज खबरें क्या क्या है प्रूफ कर लेते हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम भी दिया है। बता दें संसद के मानसून सत्र के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसानों के विरोध को देखते हुए सिबू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने बताया कि 200 किसानों का एक समूह पुलिस की सुरक्षा के साथ बसों में सिबू बॉर्डर से जंतर मंतर भी जाएगा। वहां सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा को इस बारे में एक शपथ पत्र देने के लिए भी कहा गया है कि सभी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा और आंदोलन शांतिपूर्ण ही होगा। किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़ी लिखित इजाजत नहीं दी है। वहीं दिल्ली सरकार ने उन्हें धरना प्रदर्शन की औपचारिक इजाजत दी गई है। बता दें इस आदेश के मुताबिक आज से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 200 प्रदर्शनकारी धरना दे सकते हैं और धरने में शामिल सभी किसानों को कोरोना नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। साथ ही दिल्ली में इस समय आपदा प्रबंधन कानून लागू है जिसके चलते कहीं भी कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन किसानों के आंदोलन के लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देशों में संशोधन किया और इजाजत दी है। बता दें इसी साल 26 जनवरी को पूरे देश में दिल्ली में हुए दंगल को देखा था। हजारों प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए थे और पुलिस से भिड़ गए थे और लाल किले की प्राचीर पर एक धार्मिक ध्वज फहराया था। अब आज एक बार फिर किसानों और दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा है। तो बता दें आज किसानों का प्रदर्शन है और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान प्रदर्शन करेंगे। संसद के मानसून सत्र में आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। राज्यसभा में आज जासूसी कांड पर आरटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान भी देंगे। साथ ही कांग्रेस का इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्लान भी है। वही राज्यसभा में पेगासस और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौत के मामले पर हंगामे के भी आसार है। बता दें पेगासस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि लोग जानना चाहते हैं कि किस संस्था या व्यक्ति के माध्यम से अवैध तरीके से फोन हैकिंग किया गया और सूचनाएं बटोरी गई। कांग्रेस इसे लेकर देश भर में आंदोलन करेगी और कुछ छुपाने को नहीं है तो सरकार को विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जांच भी करानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को कोई चुनौती दे सकता है और हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस की देश भर में मौजूदगी है और आने वाले समय में हम सब साथी दल मिलकर रणनीति भी बनाएंगे। साथ ही पार्टी में चिंतन हो रहा है कि आने वाले 5 राज्यों में भविष्य की चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जाएगा। वही राफेल विमानों की 7वीं खेप में 3 और विमान फ्रांस से होकर बिना रुके लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करकर भारत पहुंच चुके हैं। इन विमानों को भारतीय वायुसेना की राफेल विमानों की दूसरी खेप में शामिल किया जाएगा। बता दें फ्रांस से आए विमानों को हवाई मार्ग के बीच में संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने ईंधन उपलब्ध कराया था और इस खेप के आने के बाद अब भारत के पास 24 राफेल विमान हो गए हैं। बता दें राफेल जेट की नए विमानों को पश्चिम बंगाल के खासीमारा एयरबेस पर स्थित भी किया जाएगा और पहली राफेल खेप अम्बाला वायुसेना स्टेशन पर स्थित है। साथ ही इस खेप में 18 विमान भी होते हैं। बता दें भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 2016 में फ्रांस के साथ सौदा किया था। साथ ही 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। इससे करीब 4 साल पहले फ्रांस के 2,500 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा तय किया गया था। इन विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अम्बाला में एक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। फ्रांस से उड़कर 3 और राफेल विमान भारत पहुंच चुके हैं।
एंड कोरोना से बेसहारा हुए जिले के 176 बच्चों की देखरेख कर रहे अभिभावकों के खाते में 22 जुलाई को एक साथ 3 महीने जुलाई यानी अगस्त और सितंबर की आर्थिक मदद के तौर पर 12,000 रुपए योगी सरकार पहुंचाएगी। बता दें लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर 12 बजे सेवा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण गोरखपुर के एनएक्सी भवन से ही किया जाएगा। साथ ही इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। साथ ही कार्यक्रम में जिले के सभी विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन और पुलिस समेत कुछ अन्य विभागों के भी अफसर मौजूद रहेंगे। बता दें जिला प्रोबेशन अधिकारी सरबजीत सिंह ने बताया कि जिले में 6 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों ही कोरोना संक्रमण से इस दुनिया में नहीं रह गई है। बाकी 170 बच्चों में से किसी की माँ तो किसी के पिता की कोरोना नहीं जानते ही है। सरकार इन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के साथ उनके दैनिक खाने और पढ़ाई की भी व्यवस्था करेगी और ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता में से किसी एक के पास या फिर रिश्तेदार के पास ही रहेंगे। विभाग इन सभी की निगरानी भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को मुख्यमंत्री लखनऊ से इस योजना की शुरुआत करेंगे और उसी समय सभी पीड़ित बच्चों के अभिभावकों के खाते में 4,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की एक साथ 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेज दी जाएगी और जल्द ही कोरोना से निराश्रित महिलाओं को भी मदद मिलने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार भी दिया जाएगा।